चोल राजवंश की बात करें तो ये विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। इनका शासन 1500 से अधिक वर्षों तक चला। द ग्रेट चोला एम्पायर न केवल साउथ इंडिया और श्रीलंका तक फैला हुआ था, बल्कि इन्होंने मालदीव, लक्षद्वीप, यहाँ तक कि मलाया पेनिनसुला में भी अपना डोमिनेंस बढ़ाया। इम्पीरियल चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजयालय चोला थे। राजा राजराज प्रथम और राजेंद्र चोला इस वंश के शक्तिशाली राजा थे। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि चोलास के पास मजबूत मिलिट्री और नेवल पावर भी थी, और उनका प्रभाव भारत की सीमाओं से परे फैला हुआ था। इसके साथ ही चोलों ने साउथ ईस्ट एशियन राज्यों और यहाँ तक कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। चोला एम्पायर आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जाने जाता है। चोलास आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी काफी डेवलप थे। राजराज चोला ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजा राजेश्वर मंदिर, गवेईकोंड चोलपुरम मंदिर भी इन्हीं की देन है।